Recording. Anyway. देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक केस स्टडी पढ़ना है। किस चीज का? प्रिजन इन ग्वांतानामो बे। अब यहाँ से एग्जाम में दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ग्वांतानामो बे का प्रिजन कहाँ था, कौन सी कंट्री इसको मेंटेन करती थी, क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, और क्यों इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल का इंटरफेरेंस हुआ, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या थी। तो ये छोटा सा केस स्टडी है, हम लोग फटाफट इसको देखते हैं। समझो, 600 लोग यूएस फोर्सेस ने पिक करे थे, कब, कहाँ, और एक प्रिजन में डाल दिए थे। कहाँ पर? ग्वांतानामो बे में। कहाँ था ये? क्यूबा में पास था, क्यूबा में था। इसको मेंटेन कौन करता था? अमेरिका की नेवी, ठीक है ना। अब अमेरिकन गवर्नमेंट जो थे, उन्होंने क्या किया था, जब 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में क्या हुआ था, अटैक हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो उनको शक होने लग गया था बहुत सारे सिविलियंस पे जो टेररिस्ट बन के घूमते होंगे। तो उन्होंने सिर्फ डाउट डाउट मतलब जस्ट बिकॉज इन्हें शक हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या करा, कुछ लोगों को उठाकर काय में डाल दिया, जेल में डाल दिया। कौन से प्रिजन में डाला? डाला ग्वांतानामो बे में। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या करते थे, इन लोग को अरेस्ट करते थे, इनके साथ इंटरोगेशन करते थे, और अगर इनको लगता था क्या कि हो सकता है ये इस ग्रुप से रिलेटेड हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इनको प्रिजन में रखते रखते थे। कोई ट्रायल नहीं होता था, प्रिजनर्स किसी भी कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट इनको कैद में डाल देते थे, प्रिजन में डाल देते थे। और यहाँ पर जो प्रिजनर्स के साथ बिहेवियर होता था या ट्रीटमेंट होता था, वो बहुत 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 बुरा होता था। मतलब इनकी कंडीशन क्या थी, बहुत ज्यादा खराब थी, और इनको इस लेवल पर टॉर्चर किया जाता था कि यूएस के भी लॉज बोलते थे कि आप प्रिजनर को इस तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकते थे। आई बात समझ में? तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या करे, सीक्रेट बंदे भेजे, सीक्रेट एजेंट्स भेजे, जिन्होंने देखा कि किन लोगों को कहाँ रखा हुआ है, ग्वांतानामो ब्रे में रखा गया है, किस ग्राउंड पे रखा गया, और उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या थी? एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थी, जिन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, किस पे, उन प्रिजनर्स पे जो कहाँ पर थे, ग्वांतानामो बे में थे, और उन्होंने पता लगाया कि इनको इतना टॉर्चर कर रहे हैं, या फिर जो एक बेसिक प्रिजनर ऑफ वॉर को ट्रीटमेंट देना चाहिए वो ट्रीटमेंट भी इनको नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या करा, प्रिजनर्स ने और उनकी फैमिलीज को जब पता चली ये सारी कहानी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन प्रिजनर्स को इन्होंने छोड़ा नहीं, जबकि ऑफिशियली वो लोग डिक्लेयर हो गए थे कि उनकी कोई गलती नहीं है, दे आर नॉट इवन गिल्टी, ठीक है ना। एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बैठी, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने बोला कि ये जो प्रिजन है इसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, और जितने भी प्रिजनर्स हैं रिलीज कर देना चाहिए, लेकिन यूएस ने यूएन की बात नहीं मानी। आई बात समझ में? तो ये कहाँ की स्टोरी थी? ग्वांतानामो बे की, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, राइट्स की बात कर रहे हैं, तो हमको जो सेकंड केस स्टडी देखना है वो किसका देखना है, सऊदी अरेबिया का केस देखना है, जहां पर कंट्री आज भी किससे रूल होती है, एक हेरिडिटरी किंग से। लोगों का पास कोई राइट टू वोट नहीं है, किंग अपने हिसाब से लेजिस्लेचर सिलेक्ट करता है, अपने हिसाब से जजेस अपॉइंट करता है, और वो जब चाहे उनके डिसीजंस को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। सिटीजन्स पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। मीडिया भी कुछ रिपोर्ट नहीं कर सकता, किसके अगेंस्ट, राजा के अगेंस्ट, क्योंकि हेरिडिटरी किंग है, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर हर सिटीजन को कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करना है, मुस्लिम वाला, और जो नॉन मुस्लिम है वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट नॉट पब्लिकली, प्राइवेटली, अपने घर पर। वेमेन को भी बहुत सारी पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस हैं, और एक मैन की जो टेस्टिमनी है वो किसकी इक्विवेलेंट होती है, दो वेमेन के। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंट राइट्स नहीं मिल रहे। सिमिलरली जो थर्ड केस हम लोग को देखना है, वो देखना है कोसोवो का, ठीक है ना। कोसोवो जो है वो एक प्रोविंस है कहाँ की, युगोस्लाविया की, ठीक है ना। यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा करके कौन थे, अल्बानियंस थे। कौन थे? अल्बानियंस, ठीक है ना। और बाकी कंट्री में क्या थे, सर्ब्स ज्यादा थे। तो जो सर्ब्स का नेशनलिस्ट था, जिनको हम लोग बोलते हैं मिलोशेविक, मिलोशेविक ने क्या किया था, इलेक्शन में जीत गया था, और इसीलिए कसोवो में
जो अल्बानियन रहते थे उनको ये बात, उसको ये अल्बानियंस पसंद नहीं थे, उनको सिर्फ लगता था जो सर्ब्स हैं वही क्या हैं, अच्छे हैं। इसलिए बहुत सारे सर्ब लीडर्स को लगता था कि जो अल्बानियंस हैं उनको या तो क्या करना चाहिए, देश ही छोड़ देना चाहिए, या फिर इनको सर्ब्स की डोमिनेंस एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो कसोवो में क्या हुआ था, एथनिक मैसेक्रे हुआ था। क्या हुआ था, एथनिक मैसेक्रे, मतलब जितने अल्बानियंस थे इनको इन्होंने क्या करा था, बहुत बेमतलब फॉर नो गुड रीजन बस मार दिया था, घरों में घुस घुस के मारा था। ठीक है ना, और कौन कर रहा था ये, इनकी देश की आर्मी कर रही थी। ठीक है, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि यहाँ पर 27 ईयर ओल्ड बटीशा होक्सा वॉज सिटिंग इन अ किचन विथ अ 77 ईयर ओल्ड हस्बैंड इज इट। तो क्या हुआ, इसको 3 बार चेस्ट में क्या कर दिया, शूट कर दिया और मार दिया। तो ये क्या था, बहुत गलत ट्रीटमेंट था बाय द आर्मी। बाद में बहुत सारी कंट्रीज ने इंटरवीन किया, बोला ये मैसेक्रे जो हो रहा है और मिलोशेविक जो कर रहा है ये सब क्या है, गलत है। और मिलोशेविक को का ट्रायल दिया किसने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, और किस क्राइम के अगेंस्ट बुक किया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और ये सब कुछ रोका गया और इसको पावर से क्या कर दिया, हटा दिया। तो हमने क्या देखा डेमोक्रेटिक राइट्स में, अभी हम लोगों ने क्या देखे, तीन चीजें, तीन केस स्टडी देखे। सबसे पहले ग्वांतानामो पे, दूसरा देखा सऊदी अरेबिया, और थर्ड कौन सा देखा हम लोगों ने, कोसोवो यूगोस्लोवाकिया। ठीक है ना, अब हम लोग आते हैं किस पे, हमारे चैप्टर पे, कि राइट्स क्या होते हैं। जब हम लोग राइट्स को डिफाइन करने जाते हैं तो हाउ डू वी डिफाइन राइट्स, तो हमने क्या, जो राइट्स होते हैं वो जनरल क्लेम्स होते हैं। राइट्स क्या होते हैं, जनरल क्लेम्स होते हैं, पीपल रिकग्नाइज बाय सोसाइटी, सोसाइटी इसको रिकग्नाइज करती है। तो पॉइंट वन याद रखना है, रिकग्नाइज बाय सोसाइटी। सेकंड, सैंक्शन बाय लॉ। दो वर्ड्स याद रखने, पहला रिकग्नाइज बाय सोसाइटी, दूसरा सैंक्शन बाय लॉ। ठीक है ना, ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है, व्हाई डू पीपल नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के पास राइट्स क्यों होने चाहिए। तो हमने कहा अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए टू एक्सप्रेस ओपिनियन, फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी एंड टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल कंट्री। क्योंकि हर डेमोक्रेटिक कंट्री क्या करती है, ये चीज क्लेम करती है, अगर आप डेमोक्रेसी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, ये सारे राइट्स क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। सेकंड, राइट्स जरूरी होते हैं ताकि हम माइनॉरिटी को बचा पाए फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द मेजोरिटी। जैसे अल्बानियंस माइनॉरिटी में थे, सर्ब्स कहाँ थे, मेजोरिटी में, तो सर्ब्स क्या कर रहे थे, इन पे अत्याचार कर रहे थे। तो राइट्स जरूरी होते हैं टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द मेजोरिटी। पहला क्या था, अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो तो आपके पास राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करने का राइट होना चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का राइट होना चाहिए। सेकेंड, माइनॉरिटीज को मेजोरिटीज के ऑपरेशन से बचाना। थर्ड, टू इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम रिप्रेसिव लॉज एंड गवर्नमेंट, कि कभी भी आपकी गवर्नमेंट ही आपके साथ कुछ गलत ना कर दे, इसलिए आपके पास राइट्स होना क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। और राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम द एक्सेसेस ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, अगर गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, गलत है, तो अगर आपके पास राइट्स होंगे तो आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि राइट्स क्या है, ये जो गवर्नमेंट की मशीनरी है ये गलत तरीके से ऑपरेट हो रही है, हमें इसे सही करना क्या है, जरूरी है, वेरन हम गवर्नमेंट को रोक सकते हैं फ्रॉम मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस एंड रूल्स। अब अगर हम लोग राइट्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे यहाँ कौन कौन से, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर राइट टू इक्वालिटी की बात करें, जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पर राइट कौन सा पढ़ा, राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन सी चीजें कवर होती है, सबसे पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेकेंड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो राइट टू इक्वालिटी में ये छह चीजें क्या होती है, कवर होती है। राइट टू इक्वालिटी में इक्वालिटी बिफोर लॉ के लिए एक बहुत प्यारा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या, नो पर्सन इज अबव लॉ, लॉज फॉर एवरी पर्सन आर सेम, यानी कि अगर दो लोगों ने सेम क्राइम किया है तो वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का बेटा है, एक कॉमन मैन का बेटा है, या फिर किसी पॉलिटिकल
लीडर का बेटा है, सबके लिए पनिशमेंट क्या होगी? सेम ही होगी, दैट इज योर इक्वालिटी बिफोर लॉ। सेकेंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस सिमिलर पीपल वुड बी ट्रीटेड इन अ सिमिलर वे, नो वन शुड बी फेवर्ड, किसी को ज्यादा फेवर भी नहीं देना और किसी को कोई डिसएडवांटेज भी नहीं देना है। ठीक है, आर्टिकल 15 बोलता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी स्टेट, स्टेट मतलब कोई भी गवर्नमेंट, कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन्स रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जितनी पब्लिक प्लेसेस है हर कोई एक्सेस कर सकता है। आई बात समझ में? वेल्स, टैंक्स, बेदिंग गार्ड्स, रोड्स, प्लेग्राउंड्स, इन सब में, इनके यूसेज में या इनमें एंट्री में क्या नहीं होगा? कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप रिजर्वेशंस रख सकते हो कि ये लोग को तो हम आने ही देंगे, बट ये नहीं बोल सकते कि इस तरह के लोगों को नहीं आने देंगे। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा? थर्ड है। थर्ड होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोजिशन इन द गवर्नमेंट। क्या जब अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको आपके जेंडर के ग्राउंड पे, आपकी रिलीजन के ग्राउंड पे, आपके कास्ट के ग्राउंड पे ये नहीं बोल सकते क्या कि आप इस एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो? तो ये है कौन? राइट टू इक्वालिटी, कि सब लोग क्या है? इक्वल है। आई बात समझ में? और इसीलिए आर्टिकल 18 बोलता है कि अनटचेबिलिटी क्या है? अबॉलिश है। और इसीलिए आप क्या कर सकते हो? किसी भी फॉर्म में, किसी भी मैनर में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। और लास्ट है यूज ऑफ टाइटल्स, कि आप किसी को, जरूरी नहीं है कि आप अच्छे मतलब रिस्पेक्टेबल टाइटल्स कुछ कास्ट को या कम्युनिटीज को हम लोग दे दे और उनके लोग क्या करें? डोमिनेट करें। दिस इज व्हाट योर राइट टू इक्वालिटी। फिर आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम अपॉन अपने आप में क्या है? अगेन देखो, हम लोगों ने आर्टिकल 14 से 18 तक देखा था राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू फ्रीडम देखो, हम लोग 19 टू 21 22 देख रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे देश में। इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, अगर आपने कोई गलती करी है तो आपको पुलिस कब कब कैसे कैसे पकड़कर ले जाएगी, उसका भी क्या होना चाहिए? राइट आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं पुलिस जब चाहे अपने पावर का क्या कर ले? मिसयूज कर ले। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको अपनी जान की रक्षा करने का पूरा हक है, आपको अपनी आजादी से घूमने का भी पूरा हक है। राइट टू एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, अब फ्रीडम थर्ड क्या है तुम्हारा? राइट टू फ्रीडम जो है इट्स अ क्लस्टर ऑफ सिक्स राइट्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या कि राइट टू फ्रीडम इज अ क्लस्टर ऑफ सिक्स राइट्स? तुमको ये छह राइट्स याद रखते हैं: स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, तो ये जो राइट है ये तुम्हारे कहाँ पर आते हैं? राइट टू फ्रीडम में आते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि राइट टू फ्रीडम एंड सर्टेन राइट्स। अब देखो ये जो सर्टेन राइट्स हैं, इसमें जो सबसे पहला दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्यों जरूरी है? तो हम लोग बोलते हैं कि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक डेमोक्रेसी में रह रहे हो तो डेमोक्रेसी में लोगों के पास क्या होनी चाहिए? अपनी ओपिनियन शेयर करने का राइट होना चाहिए, तभी पब्लिक ओपिनियन बनेगी, तभी चीजों पे डिबेट हो पाएगी, तभी समझ में आएगा कि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी सही है और कौन सी गलत है। ठीक है, इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी। सेकेंड है फ्रीडम ऑफ असेंबली इन अ पीसफुल मैनर। तो अगर आपको क्या करना है, ग्रुप बना के कहीं पर इकट्ठा होना है, तो आपके पास राइट है, आप ग्रुप बना के कहीं पर इकट्ठा हो सकते हो। ऐसे में आपको गवर्नमेंट कोई रोक टोक नहीं करेगी, बस आपको इंश्योर करना है क्या कि जब आप किसी जगह पे असेंबल हो रहे हो तो वो जो असेंबली होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? पीसफुल होनी चाहिए, और आपके पास किसी भी तरह के कोई भी आर्म्स और वेपन्स नहीं होने चाहिए। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। तो आप अपने ग्रुप बना सकते हो, आप अपने ट्रेड यूनियंस बना सकते हो, अपने वेलफेयर के लिए विमेन ग्रुप बना सकते हो, बिजनेसमैन के ग्रुप बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, आपको जब जहां घूमना है
छुट्टियों में घूमना है, गर्मियों में घूमना है, सर्दियों में घूमना है, जहां घूमना है आप क्या कर सकते हो, घूम सकते हो। आपको विद इन द कंट्री किसी भी जगह पर घूमने की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आपको अगर किसी अपना स्टेट चेंज करना है, आपको रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाना है बिकॉज आपको वहां पे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है, तो वो भी आप कर सकते हो। और आपके पास राइट है कि आपको जो प्रोफेशन, जो ऑक्यूपेशन, जो ट्रेड, जो बिजनेस क्या करना है करना है, बशर्ते ये सारी चीजें लीगल हो। आप बोलोगे हम ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं, हमारे पास फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन है? नहीं, वो नहीं हो पाएगा। आ रही बात समझ में? तो आपका जो बिजनेस होना चाहिए, आपका जो ट्रेड होना चाहिए, आपका ऑक्यूपेशन होना चाहिए या प्रोफेशन, वो सब क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट ने बोल के रखा है कोई भी गवर्नमेंट या पुलिस ऑफिसर जो है वो क्या कर सकते हैं, कोई भी बंदा किसी को मार नहीं सकता है अनलेस कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर दिया है। आ रही बात समझ में? और अगर आपने कोई गलती करी है तो पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर भी आपको तभी अरेस्ट करेगा जब तक उसके पास उसका लीगल जस्टिफिकेशन होगा। यानी कि अगर आपको कोई अरेस्ट करने आ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट करा है, ठीक है ना? उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स। जिस बंदे को अरेस्ट किया है उसके पास राइट होता है कि वो किसी भी लॉयर को कंसल्ट कर ले या एंगेज कर ले अपने डिफेंस, ठीक है? नेक्स्ट है तुम्हारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एम्प्लॉयमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है ना? मतलब आप इंसानों की खरीद बेच नहीं कर सकते स्पेसिफिकली फॉर इमोरल रीजंस, ठीक है ना? सेकेंड, फोर्स लेबर या फिर जिसको हम लोग बेगार कहते हैं, जहां पर आप क्या करते हो एक बंदे से काम करवाते हो लेकिन आप उसको पैसे नहीं देते, आप उससे ये सारा काम कैसे करवाते हो फ्री ऑफ चार्ज, तो ये भी अलाउड नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज जो है इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, कि आप बच्चों को जो 14 साल के नीचे हैं उनको हजार्डियस ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये क्या है तुम्हारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है तुम्हारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसके अंदर अगेन क्या होता है, 4 आर्टिकल कवर होते हैं। पहला फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन, प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपगेट, 3 P याद रखने, कौन से? प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपगेट। तो हर बंदे के पास राइट है वो कोई भी रिलीजन प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपगेट भी कर सकता है। प्रोफेस मतलब मैं खुद मान रही हूँ, प्रैक्टिस मतलब मैं उसकी सारी रूल्स और रिचुअल्स जो हैं वो डिलिजेंटली फॉलो कर रही हूँ, प्रोपगेट मतलब मैं फैला रही हूँ, मतलब मैं बोलूँ तुम्हें भी करना चाहिए, पड़ेगा नहीं चाहिए, फोर्स नहीं कर सकते। सेकेंड, आर्टिकल 26 बोलते हैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का मतलब होता है कि आपके जितने भी रिलीजियस अफेयर्स हैं, हिंदू जैसे अपने डेमोन्स्ट्रेशन निकाल रहे हैं, प्रोसेशन निकाल रहे हैं, ये भी आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, अपने ट्रस्ट खोल रहे हो, सब अलाउड है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर आप कोई पर्टिकुलर रिलीजन क्या कर रहे हो, कमर्शियली लॉन्च कर रहे हो या कमर्शियली क्या कर रहे हो उसको प्रोपगेट कर रहे हो, तो आपको उसके टैक्सेस भरने पड़ेंगे। आपको प्रोपगेशन के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप रिक्वायर्ड टैक्सेस भर दो। यही रीजन होता है कि बहुत सारे मंदिर क्या करते हैं, फंड्स जो रहते हैं उनकी पूरी ऑडिटिंग होती है। क्यों ऑडिटिंग होती है? कि अगर वो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और वो इतनी डोनेशन ले रहे हैं तो मंदिर की इनकम हो रही है, तो आप उनको उतना टैक्स पे भी करेंगे, बहुत सारे भरते हैं। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने रिलीजन की कोई एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो आप वो भी क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, अलाउड है, ठीक है? बोलो कोई परेशानी? और सेक्युलरिज्म का यहाँ पर कंसेप्ट आता है कि इंडिया जो है वो सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट यानी कि हमारे यहाँ पर कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। आ रही बात समझ में? हर सिटीजन के पास राइट है वो जो रिलीजन चाहे तो प्रैक्टिस प्रोफेस और प्रोपगेट कर सकता है, और वो कोई भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन में नहीं बताएगा और लोगों को डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करेगा ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन जो वो फॉलो करते हैं।
बोलो, कोई परेशानी। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में एक होता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और दूसरा होता है माइनॉरिटीज के पास भी राइट है कि वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकती है, एडमिनिस्टर कर सकती है। तो हमने कहा कि हर रिलीजन को, हर सिटीजन को राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को क्या करे, प्रिजर्व करे, कंजर्व करे, है ना। और किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन योर रिलीजन। और जितने माइनॉरिटीज हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनको मैनेज भी कर सकते हैं। तुम्हारा जो लास्ट राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट ने बोला कि आपके पास सारे राइट्स हैं, तो क्या गारंटी आप बोल सकते हो कि हमारे पास ये सारे राइट्स हैं। तो हम कहते हैं जो हमारा लास्ट राइट है वो इन सारे राइट्स की गारंटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। कि क्या हो जाए कि आपके जो राइट्स हैं, हो सकता है वो किसी फेलो सिटीजन ने वायलेट कर लिए, किसी प्राइवेट बॉडी ने आपके राइट्स आपसे छीन लिए, या गवर्नमेंट ने आपसे राइट्स छीन लिए। तो आप क्या कर सकते हो, उस सिटीजन को, उस प्राइवेट बॉडी को, या उस गवर्नमेंट को कोर्ट में ले जा सकते हो ये बोलकर कि आपने हमसे हमारा राइट क्या करा है, छीना है। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स होते हैं वो ऑर्डर्स, डायरेक्शंस या रिट्स इशू कर सकते हैं कि आप क्या करो, अगर आपने इनसे इनका फंडामेंटल राइट छीना है तो आप इनको इनका राइट वापस दो। आई बात समझ में। और ऐसे में अगर किसी ने किसी का कोई राइट वायलेट किया है तो कोर्ट्स उनको ऑर्डर कर सकते हैं पनिशमेंट भी और कॉम्पेंसेशन भी। और इसीलिए, क्योंकि आपका ये वाला जो राइट है ये आपके बाकी सारे राइट्स को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इज दैट क्लियर। अब हमारे राइट्स को सेटल करने के लिए कि कोई हमसे हमारे राइट्स ना छीने, हमारी गवर्नमेंट ने एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठाया, जिसको बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कब बिठाया था, 1993 में। अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट क्या हुए हैं, वायलेट हुए हैं, तो आप किसके पास जा सकते हो, एनएचआरसी के पास जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, तुम्हारा बेसिक सा चैप्टर हुआ, जिसमें तुम्हारे क्या हुए, सारे की सारे राइट्स हम लोगों ने क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। ठीक है ना। ठीक है, अब सुनो, PIL क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। अगर तुमने दो मूवीज देखी हो, कौन सी, जॉली LLB, तो दोनों मूवीज में PIL पे पूरी क्या होता है मूवी चलती। PIL क्या होता है कि कोई भी पर्सन कोर्ट के पास जा सकता है अगर उसका कोई भी फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, या उसका नहीं है लेकिन वो सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट में के लिए जरूरी है, तो वो कहाँ जा सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ के पास जा सकता है। तो कोई भी सिटीजन या ग्रुप ऑफ सिटीजन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट एनी लॉ और एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। आई बात समझ में। नेक्स्ट है ना, अभी ओवर द इयर्स क्या हुआ है, हमको ये छह फंडामेंटल राइट्स तो मिलते ही हैं, इसके साथ हमने क्या करा है, इन सारे राइट्स का स्कोप बढ़ा दिया है, और हमने बहुत सारे राइट्स दिए, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन। ये भी कहाँ से निकल कर आते हैं, फंडामेंटल राइट्स में ही निकल कर आते हैं। राइट टू एजुकेशन क्या बोलता है कि इंडिया में अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो 14 साल तक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आपको क्या देगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगी। तो अगर गवर्नमेंट फेल हो रही है आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने से, तो आप गवर्नमेंट पे क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। आई बात समझ में। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, क्या राइट है, जिसको हम लोग कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। आ रही है बात समझ में, कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस है वहां पर कोई रूल्स बने हैं, कोई रेगुलेशंस बने हैं, या गवर्नमेंट ने कोई टेंडर दिया या कोई रूल पास कर लिया है, तो ये रूल गवर्नमेंट ने प्रॉपर प्रोसीजर से पास करा है कि नहीं करा है, ये भी हम लोग गवर्नमेंट से
क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फूड का भी हमको क्या दे दिया है, पावर दे दिया है कि अब सिटीजन्स के पास क्या राइट टू फूड भी है। तो इससे ओवर द इयर्स क्या होते जा रहा है, हम लोग सारे राइट्स को एक्सपांड करके एक नया ग्रुप बना रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल मॉरल क्लेम्स होते हैं। मतलब इंडिया में नहीं, ये जो क्लेम्स है आपके पूरे वर्ल्ड में चलेंगे, दैट मे और मे नॉट बी रिकग्नाइज बाय लॉ की ये तो हमारा इफ यू आर ह्यूमन, हमारे पास ये राइट होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे इंटरनेशनल कोवेनेंट्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, ह्यूमन राइट्स के एक्सपांशन में काम करते हैं। सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड राइट्स कहाँ दिए हुए हैं, साउथ अफ्रीका में। जो गवर्नमेंट है साउथ अफ्रीका की, उन्होंने क्या करके रखा है, राइट टू प्राइवेसी भी देके रखा है। अंडर राइट टू प्राइवेसी सिटीजन्स के घरों को आप सर्च नहीं कर सकते, उनके फोन्स को टैप नहीं कर सकते, उनका कोई भी कम्युनिकेशन आप पब्लिकली ओपन नहीं कर सकते। उनको राइट टू एनवायरमेंट भी दिया है कि ऐसा आप एनवायरमेंट जो है उसको इतना हेल्दी रखोगे कि लोगों को उससे डिसीजेस ना हो। राइट टू एक्सेस हाउसिंग, एडिक्वेट हाउसिंग, हेल्थ केयर, सफिशियंट फूड एंड वाटर, नो वन में रिफ्यूज इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये सारे राइट्स किसने दिए हैं, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने दिए हैं। इज दैट क्लियर, बोलो कोई परेशानी?